बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां पर चुनाव की चौसर बिछ चुकी है। नेता जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं, कांग्रेस भी नए जोश के साथ मैदान में है। करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस की नई टीम ने हरियाणा फतेह की बात कही है। विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस नए जोश के साथ मैदान में उतर चुकी है। करनाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी जोश है और जो चुनाव आने वाला है उसमें सब कार्यकर्ता मिलकर मेहनत कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पूरी मजबूती मिलेगी, बड़ा भारी जोश है और वो जोश कायम रखेगा। अपने अपने बूथ पे अपने वो लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस ने नई टीम बनाई है और इस नई टीम से कांग्रेस सत्ता पाने की आस लगा रही है, लेकिन गुटबाजी का जिन पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि हुड्डा इस बात से इत्तफाक नहीं रखते हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष बनने से गुटबाजी खत्म होगी? गुटबाजी कोई नहीं है कांग्रेस। गुटबाजी कोई नहीं है, वो उनकी वो है, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इस वक्त देश में NRC का मुद्दा गर्म है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर CM मनोहर लाल का समर्थन कर दिया है, जिसको लेकर कुमारी सैलजा का कहना है कि BJP 5 साल तक क्या कर रही थी जो अब उसे NRC की याद आई है। NRC कौन सा इश्यू था? 5 साल इन्होंने क्यों नहीं उठाया? आज कौन सा उठा रहे हैं जब इनके पास कुछ और कहने को नहीं है? विकास की बात कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ इन्होंने डिलीवर किया नहीं है, तो आज NRC उठा लिया। इनको NRC आज याद आ गई? चुनाव जब बिल्कुल सर पर है तो क्या NRC को ये मुद्दा बना रहे हैं? असली मुद्दों पर आए। कांग्रेस कह रही है कि BJP के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दों की सियासत कर कौन रहा है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में जनहित के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। आनंद टीवी के लिए करनाल से करमजीत सिंह की रिपोर्ट।